हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये मेरा 9 o'clock है जो आप देख सकते हैं कितना प्यारा फ्लावरिंग कर रहा है। गर्मियों में ये वैसे ही फ्लावरिंग करता रहता है, आपको हर दिन इस पर फ्लावर देखने को मिलते हैं। आप इसको लगाइए, ज़रूर लगाइए, ये बहुत ही खूबसूरत इसका फ्लावर होता है। और सबसे इसकी ख़ास बात यह है कि बहुत ही कम मिट्टी में ग्रो हो जाता है। आपको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, कम वाटर में ही ग्रो हो जाता है। कम इसको मिट्टी की ज़रूरत होती है और आपको जो फ्लावर है वो इस तरह से बड़ा सा ऐसे लगता है, जैसे दूर से देखो तो ऐसा लगता है छोटा छोटा जो है रोज़ फ्लावर जो है, आप देख सकते हैं कितने ही प्यारे लग रहे हैं ये। मैं आपको अपने और भी 9 o'clock दिखाती हूँ। एक मेरा ये है 9 o'clock, ये भी मैंने बहुत ही कम मिट्टी में लगाया हुआ है, देखिए और भर भर के फ्लावर इस पर आते हैं। और भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये मेरे को मैक्सिकन पिटोनिया भी है इसी में, और इसी में साइड में मैंने इसको 9 o'clock बहुत छोटी सी कटिंग से लगाया था, और अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना ही ग्रो हो गया है। बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखिए इस तरह से फ्लावर दे रहा है, ये ऐसे वाइन की तरह, ये काफ़ी बड़ा हो गया तो ऐसे वाइन की तरह ना ये इस तरह से नीचे लटक गया, तो ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा है ये। इस पर कुछ वाइट कलर का भी है और ये कुछ पिंक कलर का भी है, येलो भी है इसमें। इसमें 3 से 4 तरह के मैंने 9 o'clock लगाया हुआ है, आप देखिए बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसको कहीं से भी नर्सरी से ले आइए, नहीं तो किसी से भी इसकी छोटी छोटी सी कटिंग तोड़ के ले आइए, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसको अभी गर्मियों के सीज़न में आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको आप अपने टेरेस पर रखिए, बहुत ही प्यारे फ्लावर लगते हैं टेरेस पर जब ये खिलता है फ्लावर। इसका दूर से इसके कलर, ये मजेंटा कलर दूर से ही दिख जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको फर्टिलाइज़र करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, आप बस इसको ऐसे सिंपल सॉइल में लगा दीजिए, सैंडी सॉइल में लगा दीजिए। कोई भी आपको कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट सॉइल में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऐसे ही ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है और ऐसे ही गर्मियों के सीज़न में चलता रहता है। हाँ, सर्दियों में भी आपको इसको फुल सनलाइट में ही रखना होता है। अगर आप इसको छाए वाले एरिया में रख देते तो ये जो है वो ख़राब हो जाता है पूरा प्लांट, इसलिए सर्दियों में भी आप इसको फुल सनलाइट में रखें, टेरेस पर रखा रहने दीजिए, तो अपने आप भी फिर इसमें नेक्स्ट सीज़न पर अपने आप ही इसमें इसकी जो है ग्रोथ होने लगती है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। बाय बाय।